दोस्तों, आधार कार्ड को किस प्रकार से अपडेट करें, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई है उन सभी लोगों के लिए जो लगातार यह रिक्वेस्ट करते थे कि आधार कार्ड में हम घर बैठे भी ऑनलाइन अपडेट कर सकें। ये देखिए, क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस POA डॉक्यूमेंट। दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14th of June 2023। 14 जून 2023 तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, आपको किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं देनी है। यदि आपसे कोई पेमेंट मांगता है तो आप आधार अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार से अपडेट करें डॉक्यूमेंट का प्रूफ, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के, लैपटॉप के, पीसी के किसी भी ब्राउजर में जाइए। उस ब्राउजर में आप लिखिए SSUP, यहाँ पे SSUP पोर्टल लिखकर या SSUP लिखकर उसको सर्च करें। सर्च करेंगे जैसे ही तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। ये जो इंटरफेस आए, यहाँ आपको सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। ये जो स्क्रीन आए, यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स मांगेगा जिसमें आपका आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करने वाला हूँ, एक आधार नंबर है मेरे पास, तो ये मैं करने वाला हूँ डिटेल, आधार कार्ड नंबर फिल करने वाला हूँ। इस प्रकार से आप अपने आधार नंबर जो है जिसको अपडेट करना है उसको यहाँ पे फिल कर लें। फिल करने के बाद यहाँ पे एंटर अबव कैप्चा, ये जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है इसको आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा जो है उसको फिल कर लेता हूँ। इस प्रकार फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी जाएगा जिसको आपको फिल करना है। यहां पे मैंने ओटीपी को फिल कर लिया है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहां पे आपका जो कंप्लीट इंटरफेस है वो ओपन होगा। आपके आधार का जो जो लोगो है वहां पे लोगों में आपकी फोटो आएगी, ये सभी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे आएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये अपडेट होकर के यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो आएगी, यहाँ पे ये आपका लोगो बना रहेगा। नीचे आपको बॉटम फेज में चलना है तो हम बॉटम फेज में चल लेते हैं। यहाँ बॉटम फेज में ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक कर दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सर्विस है। इसके बाद ये डिटेल्स दी हुई है, डियर रेजिडेंट यू आर एडवाइज टू स्ट्रेंथन योर आधार, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एक फॉर्मेलिटी है। यहां आपको फिर से नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करें दोबारा से, हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है, तो यहां पे फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये अपनी डिटेल्स चेक कर लें। ये डिटेल्स चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। यहाँ पे आपका नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको इनकी डिटेल्स नहीं दिखाएंगे पाऊंगा। इस प्रकार से नीचे बॉटम फेज, एड्रेस वगैरह सब डिटेल चेक करने के बाद यहां वेरीफाई पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। तो यहां पे ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हो चुका है। इट मींस स्टार्टिंग जो पेज था वो आपका वेरीफाई हो चुका है। अब गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, 2 MB से जो है कम आपकी डॉक्यूमेंट साइज होनी चाहिए। सपोर्टेड फाइल किस प्रकार की होगी, यहाँ पे JPEG, PNG या PDF कोई भी आप फाइल इसमें अपलोड कर सकते हो। तो यहां से भी आपको फिर बॉटम फेज में जाना है। प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप क्लिक करके देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ID कार्ड, ये यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, ये सब है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक मेरे पास पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है, तो इन दोनों को अपलोड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ पैन कार्ड किस प्रकार से अपलोड होगा। पैन कार्ड के सेक्शन पे आप क्लिक करें। डियर रेजिडेंट, प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लायंट विद द बिलो एडवाइजरी, ये इन एडवाइजरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पैन कार्ड, ई पैन कार्ड मस्ट हैव नेम होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए और स्कैंड इमेज होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। तो ओके पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। इसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड पे जाएं। कंटिन्यू टू अपलोड पे जैसे जाएंगे तो जो फाइल आपने सेव की हुई है आपके मोबाइल फोन में या फिर आप लोगों के लैपटॉप PC में, तो वहां से ये पिक करेगा। तो मैंने यहाँ अपने लैपटॉप में सेव की हुई है, कंप्यूटर में सेव की हुई है। तो मैं दोस्तों जाने वाला हूँ यहाँ पे जिस डेटा पे, जिस फोल्डर पे मैंने अपना डेटा सेव किया हुआ है, यहां से ये देखिए
ये मेरा पैन कार्ड रहा। अब पैन कार्ड पे यहां या तो डबल क्लिक कर दें या क्लिक करके एक ओपन कर ले, तो ये 100% देखिए अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है दोबारा से बॉटम पेज में, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस का जो प्रूफ है उसको यहां पे आपको अपलोड करना है। तो ये तो हो गया एक, जिसमें आपकी फोटो है, जिसमें आपकी डिटेल्स है कंप्लीट, और जो दूसरा है ऑप्शन, वो दूसरा ऑप्शन यहां पे आपके पास है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए मैं यहां पे वोटर आईडी कार्ड को लगाने वाला हूं। तो ये वोटर आईडी कार्ड यहां से आप सर्च कर सकते हैं, ये देखिए वोटर आईडी कार्ड, इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद फिर से आप ओके कर दें, जिसपे आपका एड्रेस होना चाहिए, नेम होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए। फिर से व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, कंटिन्यू टू अपलोड, और ये देखिए दोस्तों वोटर आईडी कार्ड। तो यहां से आप क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद नीचे जाना है, यहां आपको आई हेयर बाय गिव माय कंसेंट, यानी आप उसको बता रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, ओके पे क्लिक कर दें और यहां पे जाएं फिर नेक्स्ट पे। इस प्रकार नेक्स्ट पे जाने के बाद प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैचेज विद योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार, ये सभी मेरी मैच करती है, तो ओके पे चले जाए, ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2023। इसके बाद दोस्तों इससे पहले भी इसकी कॉस्ट लगती थी और बाद में भी कॉस्ट लगेगी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री, गवर्नमेंट ने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, बेस्ट मौका दिया है सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दें, सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो गई है, तीसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, एक प्रकार से आपने अपना मनी जो है वो दिया है इसको करने के लिए, लेकिन अभी पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल आ गई है, ट्रांजेक्शन स्टेटस तभी आता है जब आपने कोई पैसा दिया हो, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने पर भी गवर्नमेंट इस प्रकार का मैसेज जो है वो पॉप अप कर रही है। पेमेंट डेट और टाइम, अमाउंट 0 रुपए। आप अपना एक्नोलेजमेंट भविष्य के लिए जरूर डाउनलोड कर लिए, बहुत जरूरी है, क्लिक करें, और क्लिक करके ये देखिए दोस्तों डाउनलोड पे हो चुका है। इसके बाद डैशबोर्ड पे जाएं और अपनी डिटेल्स को चेक करें, गो टू डैशबोर्ड पे फिर से आपको बॉटम पेज में जाना है, और जब बॉटम पेज में जाएंगे तो ये देखिए स्टेटस आ चुका है, डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ पे आपका SRN नंबर है, यहाँ पे क्रिएटेड डेट है, स्टेटस है वैलिडेशन स्टेज, रिज्यूम, और डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ना करें, इसको बार बार करेंगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।